हेलो एवरीवन, मैं हूँ सेली। वेलकम करती हूँ उड़ाही किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पलवल आलू की भुजिया, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाना बहुत ही आसान है, वो भी मैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं बनाना बताऊंगी। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, स्टेप बाय स्टेप मैं बताती चलूंगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, उससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर चलें बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पलवल की भुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम पलवल का इस्तेमाल किया है। आप जितने क्वांटिटी में बनाना चाहें उतना ले लें और दो मीडियम साइज के आलू, उसे भी मैं छिल करके काट ली हूँ और पलवल के पतले वाले छिलके को हटा करके इस तरीके से मैं थोड़े लंबे लंबे साइज में काट ली हूँ। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑन किया और कढ़ाई को डाल दिया है। कढ़ाई को गर्म होने देंगे। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए उसमें ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई सभी कुकिंग ऑयल ले सकती हैं। अब ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए मैं तेज पत्ता डाल दी हूँ, इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून से 1 टेबल स्पून जीरा ली हूँ और जीरे को डाल देंगे और उसे चटकने देंगे अच्छी तरीके से। जब जीरा चटक जाए तो कटी हुई हरी मिर्ची है वो ले लेंगे। तो यहाँ पे आप अपने तीखेपन के हिसाब से हरी मिर्ची ले लें। मैं यहाँ पे 3 हरी मिर्ची का इस्तेमाल कर रही हूँ और बीच से एक मैं कट लगा दी हूँ। अब हरी मिर्ची को कुछ सेकेंड के लिए सॉटे होने देंगे। जैसे ही ये सॉटे हो जाए तो कटी हुई प्याज ले लेंगे। मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज की प्याज को ले ली हूँ और मैं इसे इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर ली हूँ। अब इस प्याज को चलाते हुए कुछ मिनट तक इसको ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करेंगे। इस वक्त गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें इस प्याज को ट्रांसलूसेंट करना है। इस प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि ब्राउन वाले प्याज जो होते हैं उसका टेस्ट दूसरा होता है और ये जो सॉफ्ट वाले प्याज होते हैं इसका टेस्ट दूसरा होता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए सॉफ्ट होने तक ही कुक करना है। मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से प्याज को चलाते हुए कुछ मिनट गुजर चुके हैं। अब आप देख सकते हैं यह प्याज का कलर पहले से बिल्कुल अलग सा हो गया है। अब प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। इसी स्टेप पे मैं कटे हुए आलू वो डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के आलू को छिल करके अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया। इस तरीके से नॉर्मली मैं स्लाइसेस में कट कर ली हूँ। आलू की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकती हैं, ज्यादा या कम कर सकती हैं। 2 मीडियम साइज के आलू मैंने 500 ग्राम पलवल के लिए इस्तेमाल किया है। इस वक्त गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही सब कुछ को डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम पलवल को इस तरीके से छिल ली हूँ और छिल करके मैंने स्लाइसेस इसमें इसे काट ली हूँ। एक पलवल के 2 टुकड़ों में काट करके बीच से कट लगा करके इस तरीके से स्लाइसेस में मैं काट ली हूँ और पलवल के बारीक वाले छिलके को मैं हल्का सा छिल करके हटाई हूँ। आप देख सकते हैं, इससे अंदाज़ा आपको लग ही गया होगा। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें, जो कि मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे डाल करके अच्छे तरीके से अलट पलट करके मीडियम फ्लेम पर ही चलाएंगे। पहले कुछ मिनट के लिए इसे चलाते रहेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आपस में मिल जाए। मैंने आपको छोटी से छोटी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप नए हो तो इजली कुकिंग कर सकती हैं। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनकर के तैयार भी हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी खाने में भी लगता है। इसे आप किसी भी चीज़ में खा सकते हैं, रोटी हो या चावल। और इसे आप, मज़े की बात तो ये है कि लंच में भी दे सकते हैं। इस पलवल की भुजिया को चलाते हुए कुछ मिनट गुजर चुके हैं। देखें, ये अपना कलर अलग सा आ गया है। मैं इसमें हल्दी वगैरह का इस्तेमाल नहीं की हूँ, आप चाहें तो इसमें यूज़ कर सकती हैं। ना ही इसमें मैं पानी डाली हूँ। ये चलाते हुए खुद स्टीम लगने के बाद ये पानी रिलीज़ कर देता है। तो ये देखें, हल्का हल्का पानी रिलीज़ होने लगा है। अब इसे कवर से ढक देंगे। ढकने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। 25 से 30 मिनट तक इसे कुक करना है। बीच में इसका कवर हटा करके देखते रहना है ताकि यह नीचे की तरफ जले नहीं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पानी वगैरह नहीं दी थी। यह भुजिया स्टीम में ही बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होते हैं। एक बार इस तरीके से आप भी ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। जब यह भुजिया अच्छी तरीके से कुक हो जाए उससे 1 मिनट पहले
मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च पाउडर जो कि हाफ टेबल स्पून है, और ज़ीरा पाउडर वो भी हाफ टेबल स्पून है। उसे डाल करके इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे। यह भुजिया जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना अच्छा खाने में भी लगता है। यह भुजिया बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन करके तैयार हो जाता है, तो यह पेशेंट वगैरह भी इस तरीके के अगर बनाएंगे तो वो खा सकते हैं। जिन लोगों को डॉक्टर मना करते हैं तेल कम हो मसाले कम हो, उन लोगों के लिए यह रेसिपी बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि यह बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर के तैयार हो गए हैं। तो इस तरीके से मिल जाए तो फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और फिर गर्मा गर्म इसे सर्व करें। बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, वैसे ही बहुत ही टेस्ट होगा इसको खाने में। तो एक बार इस तरीके से आप भी ज़रूर ट्राई करके देखें, आप भी बनाएं, सबको खिलाएं। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।